बहुत से सवालात हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और आप उनके जवाबात चाहते हैं। आप अल्लाह से बार बार दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन इस कशमकश में यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है कि नहीं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह आपसे अभी बात कर रहा है, आपको निशानियां भेज रहा है जो आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम 5 ताकतवर निशानियों पर बात करेंगे कि अल्लाह आपसे रब्ता कर रहा है और आप इन पैगामात को कैसे पहचान सकते हैं। नंबर 1, आप अचानक जो किसी चीज के बारे में बेचैनी या बेआरामी महसूस करते हैं, कोई फैसला है जो आपको तंग कर रहा है या कोई गुनाह जो आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन आप बेसुकून हैं, बेचैन हैं, तो ये एक इत्तफाकी एहसास नहीं है। अल्लाह आपको देख रहा है, वो आप तक खामोश पैगाम पहुंचा रहा है। ये अल्लाह का आपको सीधे रास्ते पर लाने का तरीका है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में ज्यादा मजबूत हैं। तो ये जान रखें कि जब आपका दिल किसी चीज से आपको दूर करता है, तो ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत भरा रिमाइंडर है कि आप अपने अमाल पर दोबारा गौर करें। यह अंदरूनी कशमकश अल्लाह का आपको सीधे रास्ते पर रखने का तरीका है। नंबर 2, अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है। जब एक मखसूस पैगाम या आयत बार बार आपकी जिंदगी में जाहिर होता है, आप इसे कुरान पढ़ते हुए देख सकते हैं, किसी लेक्चर में सुन सकते हैं या सोशल मीडिया में शेयर होते हुए देख सकते हैं, ये कोई इत्तफाक नहीं है। ये अल्लाह का आपकी तवज्जो किसी अहम चीज की तरफ मबजूल कराने का तरीका है। जब आप ये देखें तो इस चीज पर गौर करें कि ये आपकी मौजूदा सूरत हाल से कैसे कनेक्टेड है और अल्लाह आपकी रहनुमाई किस तरह कर रहा है। नंबर 3, कई बार हम अपनी जिंदगियों की प्लानिंग करते हैं, टारगेट मुकर्रर करते हैं और इनके हसूल के लिए अनथक मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं। ये नाकामियां दिल शिकन हो सकती हैं, खास तौर पर जब आपने बहुत मेहनत की हो। ताहम ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लम्हात इस इत्तफाकन बदकिस्मती से नहीं है, बल्कि ये दरअसल अल्लाह की तरफ से जानबूझकर दी गई निशानियां हैं जो आपको मुमकिन नुकसान से बचा रही हैं। अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से कहीं बेहतर है और कभी कभी हमें वो इन चीजों से बचाता है जिन्हें हम जरूरी समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं जिसे आप अपने लिए बेहतरीन समझते हैं, लेकिन आपकी काबिलियत, आपकी कोशिशों के बावजूद भी आपको वो नौकरी नहीं मिलती। इस लम्हे ये एक बड़ी नाकामी महसूस हो सकती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको एक बुरे काम के माहौल या किसी ऐसी चीज से बचा रहा होता है जो आपके ईमान और ज़हनी सुकून को मुतासिर कर सकती है। और जब कभी कोई ताल्लुकात नाकाम हो जाते हैं तो ये बहुत तकलीफदा हो सकता है। आपने अपने जज्बात, वक्त और ख्वाबों को किसी में लगा दिया और फिर सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन अक्सर हम ये नहीं समझते, जब अल्लाह लोगों को हमारी जिंदगियों से हटाता है तो वो हमारी सजा नहीं होती, बल्कि वो हमारी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि वो ताल्लुक या वो शख्स मुस्तकबिल में मुश्किलात का बाइस बन सकता था या आपको सीधे रास्ते से हटा सकता था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, जो हम अच्छा और बुरा जानते हैं वो हमेशा हकीकत के मुताबिक नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पर गौर करें, जब इन्हें रोका यानी समंदर को अबूर करने से पहले अल्लाह की रहनुमाई से इसे मौजाना तौर पर पार करना इब्तदाई ताखीर इसके मिशन की नफी नहीं थी, बल्कि एक अजीम मौजजे के लिए अल्लाह की तरफ से एक तरतीब थी। इसी तरह जब हमारी जिंदगी में चीजें प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती, तो ये इसलिए हो सकता है कि अल्लाह हमें ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा है कि जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर रुकावट एक बड़े मंजर का हिस्सा है जिसे हम इस लम्हे में नहीं समझ सकते कि ये ताखीर हमें अल्लाह के करीब ले आती है। जब चीजें हो जाती हैं तो हम इन्हें देखते हैं कि ये हमारे मुताबिक नहीं है, तो हम फितरी तौर पर दुआ की तरफ रुजू करते हैं, रहनुमाई तलब करते हैं और अल्लाह पर अपने इन्हिसार को बढ़ाते हैं। ये मुश्किलात और इंतजार के लम्हात दर हकीकत रूहानी तरक्की के मौके हैं। ये हमें सबर, एतमाद और अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करना सिखाते हैं। ये वो खसूसियात हैं जो हमें अपने खालिक के करीब लाती हैं और हमें उसके साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने में मदद देती हैं। अल्लाह बेहतरीन प्लानर है, और जो कुछ उसने आपके लिए रखा है वो आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा है।
कभी कभी उसके बेहतरीन तोहफे बगैर जवाब दी गई दुआओं या नामुकम्मल मंसूबों के बहस में आते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखें, किसी मुसलमान को कोई थकावट, बीमारी, गम, उदासी, तकलीफ या परेशानी नहीं पहुंचती, यहाँ तक कि उसे कोई कांटा चुभे तो अल्लाह उसके बदले उसके कुछ गुनाहों को माफ कर देता है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल और ताखीर ना सिर्फ एक आजमाइश है बल्कि पाकीजगी और अजर का जरिया भी है। यकीन रखें कि वो आपको बेहतरीन की तरफ रहनुमाई कर रहा है। ये ताखीर रास्ते की रुकावटें नहीं है बल्कि अल्लाह का आपको किसी ऐसी चीज के लिए तैयार करने का मंसूबा है। नंबर चार, एक और ताकतवर निशानी के अल्लाह आपसे बात कर रहा है कि जब आपको एक मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्का जरिए से मदद, मशवरा या रहनुमाई मिलती है। ये इस वक्त हो सकता है कि जब आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, खोए हुए महसूस कर रहे हो या किसी फैसले के बारे में गैर यकीनी हो और अचानक आपको ऐसी जगहों से मदद मिलती है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये एक अजनबी हो सकता है जो मेहरबान अल्फाज पेश करता है, एक दोस्त जो उस वक्त आपसे राब्ता करता है जब आपको उसकी जरूरत होती है, या एक बेतरतीब पैगाम जो एक बिल्कुल सही वक्त पे जाहिर होता है और आपको वजाहत फराहम करता है जिसकी आप तलाश कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने जाती मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ख्यालात आप पर गालिब हो रहे हैं और फिर अचानक आपको एक दोस्त से एक टेक्स्ट पैगाम मौसूल होता है जो आपकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा होता है और बिल्कुल वही कहता है जो आपको सुनने की जरूरत होती है, या आप एक इस्लामी लेक्चर सुन सकते हैं जो बिल्कुल आपकी सूरत हाल की अक्कासी करता है। ये महज इत्तफाकात नहीं है, यह अल्लाह का आप तक पहुँचने का तरीका है, आपको दिखाने का कि वो आपकी कोशिशों से आगाह है और अल्लाह आपकी परवाह करता है। कभी कभी रहनुमाई एक अचानक के इल्हाम या एक ख्याल की शक्ल में आ सकती है जो आपको एक दरीना मसले को हल करने में मदद देती है। ये अल्लाह हो सकता है जो एक सही वक्त में आपके जहन में सही ख्यालात डाल रहा हो। आप कभी कभार किसी हदीस या कुरानी आयत से भी सामना कर सकते हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो और ये आपके दिल से बराह रास्त बात करती हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है वो इसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये आयत इस बात पे जोर देती है कि अल्लाह की मदद अक्सर इन तरीकों से आती है जिनकी कभी हम तवक्का भी नहीं करते। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी मुश्किलात इससे पोशीदा नहीं है। नंबर पांच, अल्लाह की निशानियों में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत ये घड़ी है कि जब आपका दिल नमाज या दुआ के दरमियान बेहतरीन सुकून हासिल करता है, ये वो लम्हा होता है जब आप अल्लाह से मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए महसूस करते हो, जैसे आपकी तमाम परेशानियां और इस्तराब आपके कंधों से हट गए हों। ये अंदरूनी सुकून की कैफियत इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके करीब है, आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है, अपनी रहमत से आपको गले लगा रहा है। जब आप खलूस दिल से दुआ करते हैं और अपना दिल अल्लाह के सामने रखते हैं तो आप एक गहरी सुकून की कैफियत हासिल कर सकते हैं, चाहे आपके हालात अभी तक ना बदले हों। ये सुकून सिर्फ एक आरजी राहत नहीं है बल्कि ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपकी सुन रहा है और आपकी रूह को तसल्ली दे रहा है। कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि हमारे दिलों को एक खास सुकून मिलता है जो दुनिया फराहम नहीं कर सकती। ये खास सुकून अक्सर इस वक्त आता है जब आप इसकी तवक्का नहीं कर रहे होते। आप किसी मुश्किल सूरत हाल में हो सकते हैं, जिंदगी के चैलेंजेस से मगलूब हो सकते हैं, और जब आप नमाज में झुकते हैं या दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अचानक आपको राहत और उम्मीद का एहसास होता है। ये ऐसा है जैसे अल्लाह आपसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ और मेरे पास सब कंट्रोल में है। ये एहसास सिर्फ नफ्सियाती नहीं है बल्कि रूहानी है, अल्लाह की तरफ से बराह रास्त जवाब है जो आपको याद दिलाता है कि वो आपके साथ है। कभी कभी ये सुकून की कैफियत नमाज के मखसूस लम्हात में आ सकती है, जैसे कि जब आप सजदे में होते हैं जो कि बंदे का अपने रब से करीब तरीन मकाम होता है। इन लम्हात में अल्लाह आपके बेहद करीब हो जाता है। इस तरह अल्लाह इन इन तरीकों से आपसे बात करने की कोशिश करता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।